अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड, सरताज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जाती हूँ, देखो प्याज अंडा है ये कैसे बनाना की पूरी वीडियो स्किप करने सर का वॉच करो। मैं कैसे बनूँगी आप लोगों को मालूम होता है, लुक वाइज भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था देखो, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। हम पे प्याज लूँ देखो, एक छः प्याज लूँ देखो, एक पाँच अंडे लूँ देखो। अबे प्याज अच्छे से चॉप कर लेना, ऐसा अच्छे से चॉप कर लेना है, ऐसा बारीक बारीक खाना प्याज हो। हैं पे पैन रख लूँ, पैन हीट होने के बाद उसमें ऑयल ऐड करती हूँ देखो, एक दो चम्मच ऑयल डाल लूँ। ऑयल अच्छे से हीट होना, ऑयल हीट होने के बाद ये प्याज ऐड कर देना देखो, ऐसा बारीक से चॉप करके रख लेना। अब ऑयल में ऐड करवा देता हूँ, ऐड करवा कर अच्छे से मिक्स करते हूँ देखो, उसे अच्छे से मिक्स होना ना। मिक्स होने के बाद इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ, दाल को ये भी अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स कर को पैन का कैप लगा को थोड़ी देर पकने देना, एक दो मिनट अच्छे से पकने देती हूँ देखो। कैप लगाने के बाद दो मिनट अच्छे से पकना ये, फिर कैप कार को एक बार सोव अच्छे से मिक्स करती हूँ, सब अच्छा मिक्स होता है देखो। ज़रा प्याज में से पानी भी छूटा है। अब इसमें आपको हनी की माल मसाला ऐड कर लेना, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मसाला डाल को सोव फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ देखो, तो मिक्स होगा अच्छे से। अब इसमें आपको हनी की थोड़ा पानी ऐड कर लेना, मिक्स कर लेने के बाद ट्रक का तो प्याज गलने का रहता है थोड़ा बस है, ऐड कर ले को तो वो मिक्स कर को पानी डालने के बाद फिर पैन का कैप लगा को एक 10 मिनट अच्छे से पका लेना। ये करी आपको देखो खाने में भी अच्छी ही थी, चपाती में भी अच्छी ही थी, खिचड़ी में अच्छी ही थी देखो करी है। अरे फिर कैप कार को देखता हूँ, पानी पूरा चूर रहा देखो, अच्छे से प्याज भी पक गई है। अब हैं पे अंडे लूँ देखो पाँचों, अब अंडे ऐसा ब्रेक कर को डाल डालना, वन बाई वन ऐड कर देना देखो, ऐसा सो पांच अंडे भी ऐड कर देना, ऐसा करेक्ट हूँ डालने से करेक्ट हूँ पकता देखो, नहीं तो पीसेस हो जाती हूँ, यह तो हूँ छतीन तो ब्रेक कर को डाल दी। फिर कैप रखो, एक 5 मिनट पका लेना, 5 मिनट के बाद अच्छा पक गई देखो। अब दूसरी तरफ को टर्न कर लेना, ऐसा हल्लू सेम ऐसा सारे रहते हैं, नहीं तो मैं हना कर तो सो मिक्स कर दाल को पीसेस भी कर लिए जा है पे, मैं आपको बल को सारे करती हूँ, ऐसा सारे पूरे ऐसा टर्न कर डालना, तो अच्छे से टर्न कर दें देखो, कर देखो फिर कैप रखो, एक 2 मिनट पका लेना। अरे 2 मिनट के बाद अच्छे से पका देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हमारा ऑनियन एग करी बन को रेडी हो गया, अंडा भी अच्छे से पक गया देखो। मेरे रेसिपीज़ देखना चाहती हूँ तो मेरे चैनल में जाको, प्लेलिस्ट में जाओ देखो, सब मेंशन करके रखूँ, कम्युनिटी में भी रखूँ देखो, पूरे वीडियोस देखो। ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती बोल को उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो आप लोग भी ट्राई करो, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको भी शेयर कर लो। अगली रेसिपी के साथ फिर आप लोगों के सामने आते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।